गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो डियर फ्रेंड्स, कल हमने समझा था लंग वन से लंग फाइव। सो यस्टरडे वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट लंग वन टू लंग फाइव। सो टुडे वी विल लर्न लंग सिक्स ऑनवर्ड्स। आज हम लंग सिक्स के बाद की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो चलिए आज का प्रारंभ करते हैं। आज हमारे लक्ष्य है कि हम अपना लंग मेरिडियन कंप्लीट कर दें, ताकि अगली क्लास में हम हार्ट या पेरिकार्डियम मेरिडियन स्टार्ट कर पाए। सो लेट्स मूव नाउ। तो लंग मेरिडियन में लंग वन से लेकर लंग इलेवन तक टोटल 11 पॉइंट्स पाए जाते हैं, और लंग वन से लेकर लंग फाइव तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे लंग सिक्स से लेके लंग इलेवन तक के पॉइंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लंग सिक्स टू लंग इलेवन ऑनवर्ड्स पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम लंग सिक्स। ओनली वन मिनट। सो द लंग सिक्स पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द लंग मेरिडियन। पूरे लंग मेरिडियन का ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिकॉज इट इज जी क्लेफ्ट पॉइंट। क्योंकि लंग सिक्स एक जी क्लेफ्ट पॉइंट है, और जी क्लेफ्ट पॉइंट का मतलब होता है ऐसे बिंदु जिनका प्रयोग हम इमरजेंसीज के समय करते हैं, ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। सो जी क्लेफ्ट पॉइंट आर द पॉइंट्स वी आर यूजिंग इन एक्यूट इमरजेंसीज। व्हाट इज इमरजेंसीज? द इमरजेंसीज लाइक ए एक्यूट रिस्पायरेटरी अटैक। अगर किसी को श्वास का अटैक आ गया, रिस्पायरेटरी अटैक आ गया, तो हम लंग सिक्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जी क्लेफ्ट पॉइंट वो बिंदु होते हैं जिनका प्रयोग हम एक्यूट इमरजेंसीज के समय करते हैं। वी आर यूजिंग देम ड्यूरिंग एक्यूट इमरजेंसीज। सो दिस इज द ह्यूमन बॉडी। सो ये मानव शरीर है। द टोटल लेंथ ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम एल्बो टू रिस्ट, द टोटल लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज 12 चुन। एल्बो से लेकर कलाई तक की जो दूरी होती है 12 चुन की होती है। हम 12 चुन की होती है। दिस इज द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। सो दिस पार्ट इज टोटल 12 चुन। ओके, सो इन प्लेस ऑफ 12 चुन लेट्स थिंक 12 पोर्शंस, 12 पार्ट्स, बिकॉज एज पर द प्रैक्टिकल सम पर्सन हैविंग 12 चुन, सम पर्सन हैविंग लिटिल लेसर, सम पर्सन हैविंग लिटिल बिगर। तो हर किसी व्यक्ति का ये लोअर आर्म 12 चुन का हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि लोअर आर्म की लंबाई कितनी होती है, तो आपको 12 चुन ही कहना होगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं हाथों को, तो किसी का 12 चुन होता है और किसी का उससे कम या किसी का उससे ज्यादा हो सकता है। सो द प्रैक्टिकली इट मे बी 12 चुन,
or it may be longer or shorter than the 12 chun. So in place of 12 chun, let's talk about the 12 parts or 12 portions. So in place of 12 chun, whatever the length, just divide in 12 parts. Okay, जो भी लंबाई है उसको 12 भागों में बांट दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के लिए 12 चुन नहीं होता. सो इफ इट इज 12, इफ टोटल लेंथ इज 12 पार्ट्स, 12 पोर्शंस, देन व्हाट इज द हाफ? इफ टोटल लेंथ इज 12 चुन, देन व्हाट इज द हाफ? सो 6 पार्ट्स अप एंड 6 पार्ट्स डाउन, इट्स सो इजी. The total length is 12 chun or 12 parts. So what will be the half? 6 parts here and 6 parts here. तो arm की जितनी भी लंबाई होगी उसको हम क्या कर सकते हैं कि we can divide this in 12 parts and do the half. So what will be the half? 6 part on the one side and 6 part on the other side. Okay. So now, look at once again. This is the human body. This is the arm. I am making the arm little longer so we can understand very clearly. ये पार्ट की लंबाई हमने मानी है 12 पार्ट्स. ओके, एंड द हाफ विल बी 6 पार्ट्स हियर एंड 6 पार्ट्स हियर. सो फ्रॉम द रिस्ट इट वी गो 7 पार्ट्स अप, 7 पार्ट्स अप. If from the wrist, if we go 7 chun up, theoretically 7 chun, practically 7 parts. So this is the location of lung 6. Chaliye, ek baar practical dekhte hain. Let's see the practical demo. So look at my hand. So look at my hand now. So this is the location on the wrist is lung 9. ये हमारी कलाई में है, लंग 9 की लोकेशन है. ओके, बेटर टू यूज अदर कलर फॉर क्लियर इमेज. ओके, आई थिंक इट इज विजिबल. ये लंग 9 की लोकेशन है. ऑन द रिस्ट नाउ कमिंग टू द एल्बो, दिस इज द टेंडन, द सेंट्रल टेंडन और बाइसेप्स टेंडन. From here we are going 1 chun lateral. This is the lung 5. तो हम ये central से biceps tendon से 1 chun बाहर जा रहे हैं. So this is the location of lung 5. Look at here, lung 5 and lung 9. So feel the biceps tendon here. यहां पर biceps tendon को feel करिए, ये कड़क tendon है. Feel the biceps tendon here. If I am audible, so write down I am audible. Okay, thank you. So this is the biceps tendon
फ्रॉम दिस बाइसेप्स टेंडन इफ आई गो वन चुन लेटरल दैट इज अ लंग फाइव, ये बीच में बाइसेप्स टेंडन है, बाइसेप्स टेंडन से अगर मैं बंचुन बाहर जाता हूं तो ये लंग फाइव की लोकेशन है, और अगर मैं कलाई में आ जाऊं तो कलाई के बाहर की तरफ यानी ये लंग नाइन है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ऑन द थंब साइड इज लंग नाइन। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी विल कनेक्ट दीज टू लाइंस लाइक दैट, दिस इज द लंग मेरिडियन, ये लंग मेरिडियन है। केवल एक ही पॉइंट इस लाइन में नहीं आएगा जिसका नाम है लंग सेवन, द वन पॉइंट विल नॉट कम इन दिस लाइन दैट इज लंग सेवन, वी विल डिस्कस शॉर्टली अबाउट द लंग सेवन। हमारी इस लंग फाइव से लेके लंग नाइन तक, सो लंग फाइव लंग सिक्स सेवन एट एंड नाइन, लंग सेवन इस लाइन में नहीं आएगा, बाकी लंग फाइव से लेके लंग नाइन तक के सारे पॉइंट्स इस लाइन में हैं, ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द लंग फाइव टिल द लंग नाइन इन दिस लाइन, ओनली लंग सेवन विल नॉट कम इन दिस लाइन, विल डिस्कस अबाउट द लंग सेवन शॉर्टली। ओके, सो व्हाट इवर द लेंथ जस्ट डू द हाफ, so okay measure the length, four finger then four finger, for me it is just 12 finger, but in the books it is written it is 12 chun, but it is not for me। to mere is lower arm ki lambai sirf 12 angul hai, ये सबकी अलग अलग होती है। सो व्हाट एवर द लेंथ इज, सो आई कैन कंसीडर इज 12 फिंगर इज इक्वल टू 12 पार्ट्स, सो व्हाट इज अ हाफ, सो फोर एंड फोर, बट बिलीव द हाफ द सिक्स विल बी द हाफ, सो फोर and two, so this will be the center point। okay, so coming here on the wrist, from the wrist I am coming seven portion up, seven chun up, but for me I will tell seven portion up, to kalai se main seven portion up aunga, so four and three, so here, या उल्टा भी कर सकते हैं, हम एल्बो से फाइव पोर्शन नीचे जाएंगे, फोर एंड वन, सो दिस इज द लोकेशन, सो दिस विल बी द लोकेशन ऑफ लंग सिक्स, दिस विल बी द लोकेशन ऑफ लंग सिक्स, सो दिस इज फाइव चुन फ्रॉम द लंग फाइव, और फाइव पोर्शन फ्रॉम द लंग फाइव, फाइव पोर्शन और सेवन पोर्शन फ्रॉम द लंग नाइन। तो ऊपर से नापेंगे तो हम बोलेंगे फाइव पोर्शन डाउन है, और नीचे से नापेंगे तो बोलेंगे सेवन पोर्शन अप है। सो इफ वी प्रेस दिस पॉइंट, इफ वी डू द प्रेशर ऑन दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज द जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ द लंग, ये हमारा हमारे लंग का जी क्लेफ्ट पॉइंट है, because this is the G cleft point of the lung, so we can use this point during the acute emergencies। हम इस बिंदु का प्रयोग acute emergencies में कर सकते हैं, so we can use this point during the acute emergencies, the wonderful point, lung six। We can do the acupressure here, we can do the acupressure here, we can pump this part little up and down, we can pump this part little up and down, we can do the acupressure here, and this is the very good for the
पर्सन हैविंग लंग प्रॉब्लम। तो जिस भी व्यक्ति को लंग की कोई भी इमरजेंसी हो, हम इस बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। सो वी कैन यूज दिस पॉइंट। सो द लंग सिक्स पॉइंट इज वेरी मच यूजफुल फॉर ऑल द इमरजेंसीज ऑफ लंग, आइदर दिस द नॉर्मल कफ एंड कोल्ड विच इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, और इट इज द अटैक ऑफ अस्थमा, और इट इज द कोरोना वायरस COVID-19, ऑल द प्रॉब्लम्स। तो किसी भी प्रकार की सर्दी खांसी कफ अस्थमा हो, स्नीजिंग हो, श्वास लेने की तकलीफ हो, श्वास फूलती हो, हम इस बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। और इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी का मतलब होता है कि किसी के कफ में ब्लड आ रहा है, लंग्स में से ब्लीडिंग हो रही है। अगर किसी को लंग्स में से ब्लीडिंग हो रही है, किसी को लंग्स में से ब्लड निकल रहा है, ब्लडी कफ आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है लंग से, और स्पूटम में ब्लड आ रहा है, द ब्लड इन द स्पूटम, इवन द नोज इज ब्लीडिंग बिकॉज नोज इज द पार्ट ऑफ लंग। सो वी कैन यूज दिस पॉइंट। तो जब किसी के लंग की कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे उसको सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड हो, अस्थमा हो, श्वास फूलती हो, श्वास चढ़ती हो, या किसी को फेफड़ों में से खून आ रहा हो, नाक में से खून आ रहा हो, नाक भी हमारे लंग का ही सेंस ऑर्गन है, अगर किसी को नाक से खून आ रहा है, फेफड़ों से खून आ रहा है, कफ में खून आ रहा है, किसी का नक्सीर फूट गया है, हम सारी उन इमरजेंसीज कंडीशन में हम लंग सिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वो निमोनिया है, अस्थमा है, कोरोना वायरस है, इन सारी कंडीशन में हम लंग सिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। इवन वी कैन पुट द सम ड्रॉप ऑफ ऑयल एंड वी कैन डू द मसाज हियर, वी कैन डू द मसाज हियर। मैंने कई पेशेंट्स को देखा है, जो लोग ज्यादा उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनका ये एरिया एकदम कड़क हो जाता है, उनका ये एरिया एकदम हार्ड हो जाता है, और उनको जब हम यहां दबाते हैं तो उनको काफी दर्द मिलता है। सो दिस एरिया बिकम वेरी हार्ड, इवन दिस एरिया बिकम डिस्क, दिस एरिया गेट डिस्कलर्ड विद द पेशेंट्स, ऑलवेज इन द सैडनेस, ऑलवेज इन द डिप्रेशन। सो द लंग सिक्स पॉइंट इज वेरी एक्सीलेंट पॉइंट फॉर द फॉर दीज ऑल conditions. तो हम इस पर निडल भी लगा सकते हैं। सो वी कैन इंसर्ट द निडल हियर, वी कैन इंसर्ट द, वी कैन पुट द मैग्नेट हियर, वी कैन डू द एक्यूप्रेशर हियर। हम चाहें तो सुजोग निडल भी लगा सकते हैं। दिस इज द सुजोग निडल, इफ आई थिंक इट इज विजिबल, या दिस इज द सुजोग निडल। तो यहां पर वी कैन इंसर्ट द निडल हियर। And we can do the acupressure here. So we can put the needle here. You can see here. This is the needle. So we can insert the needle here. We can put the seed here. We can do the acupressure here. We can put the bual magnet here. हम कुछ भी लगाएं, हम bual magnet लगा सकते हैं, हम इसको दबा सकते हैं, acupressure कर सकते हैं। So this is the location of lung six. Let's proceed for the next point. दो needle लगाई है आपको दिखाने के लिए, दो needle नहीं लगाते हैं, किसी को छोटी ना दिखे तो बड़ी दिख जाए, इसलिए लगाई है। So the cheek left point we are using in the acute emergencies. And remember one thing, yeah, you're right, facial needle are colorful needle. I will, that needle are come finished, I have to order. Okay, so the next point, now we are going in this way, now we are moving like this, coming like this. Okay, so the lung meridian is going from the lung 5, then lung 6, then lung 7. But lung 7 point is not found here. So suddenly what is happening here? This
pathway is getting spirited and going on the side and then coming back like that. So this is the point which is not on the pathway, but this is on the side, on the yin yang junction, which is two finger up from the wrist. So this is the wrist, two finger up. This is the location of lung 7. So because lung 7 is not in the sequence, so we are telling this point, the other name of this point is broken sequence or split meridian point. तो lung 7 को हम बोलते हैं वो बिंदु जो split meridian point है, यानी जहां पर meridian ने अपना रास्ता बदल लिया या अपना sequence तोड़ दिया, छोड़ दिया. So this is on the side and this is just two finger up. We can feel the bone here. This is just over the bone. यहां पर हम bone को महसूस कर सकते हैं. And this point is over the bone here, bone. So this point is lung 7 or broken sequence. So we can see this is the location. So this is the location of lung 7. तो हमारा lung meridian lung 5 से start हुआ, फिर lung 6 पर आया और उसे ऐसे जाना था lung 9 तक, लेकिन बीच में रास्ता भटक गया और भटक के साइड में चला गया. तो चूंकि रास्ता भटक गया, सीक्वेंस से भटक गया, इसलिए लंग 7 पॉइंट को हम कहते हैं ब्रोकन सीक्वेंस पॉइंट, यानी ऐसा बिंदु जिसने सीक्वेंस को ब्रेक कर दिया. नाउ दिस पॉइंट इज अवेलेबल ऑन, ये पॉइंट हमारे ये व्हाइट और ब्लैक स्किन के जंक्शन पर पाया जाता है और कलाई से 1.5 जन प्रॉक्सिमल होता है. सो दिस पॉइंट फॉर्म 1.5 जन प्रॉक्सिमल फ्रॉम द रिस्ट. So this point found 1.5 to proximal from the wrist. Lung 7 point. The lung 7 point is very, very important point because lung 7 is the Leo connecting point. Lung 7 ek bahut hi mahatvapurna point hai. Ye kyun mahatvapurna point hai? Kyunki ye hai ek Leo connecting point hai. The lung 7 is the Leo connecting point. So let's see how can we needle this point. हम इस point को needle लगाएं तो थोड़ा सा skin को pull कर लीजिए ऐसे. तो pull the skin and insert the needle. Pull the skin and insert the needle. Right now, I cannot pull the skin because my both hand engaged. So I am inserting the needle directly. So you can see, this is the lung 7 point. तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं. So if we are putting the point along the direction of meridian, because this is a lung 5, lung 6, lung 7, lung 9. So along the direction, this is the tonification. And if we are putting the needle in the opposite direction, that is the sedation. तो अगर हम इसी डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि हमारा लंग मेरिडियन ऐसे जा रहा है, लंग 5, लंग 6, लंग 7 इस तरह से, तो अलोंग द डायरेक्शन लगाते हैं तो वो टोनिफिकेशन कहलाता है. और अगर उल्टा लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, तो इट इज कॉल्ड सेडेशन. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लंग 7. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द लंग 7. हम अभी लंग 7 की बात करेंगे. लंग 7 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है. So what is the student? So let's write down both the points, then we'll discuss little more about this.
So lung six. So number one, it is G cleft point. यह एक G cleft point है. So useful during emergencies. Number two. This is a very good point in acute respiratory attack. In acute respiratory attack, it is very good point. अगर किसी को respiratory attack आता है तो lung six बहुत ही महत्वपूर्ण point है. Number three. It is very good point for cough, sneezing, asthma, shortness of breath. यह बिंदु कफ के लिए, छींकों के लिए, अस्थमा के लिए, और अगर किसी को श्वास फूलती हो उनके लिए बड़ा ही गजब का पॉइंट है. नेक्स्ट, दिस पॉइंट इज इमरजेंसीज, इमरजेंसी पॉइंट. सो एज ए इमरजेंसी पॉइंट, दिस पॉइंट इज यूजफुल इन लंग ब्लीडिंग, nose bleeding, blood in sputum or blood in kapha. तो अगर किसी को lung से bleeding होती हो, नाक से bleeding होती हो, उसके कफ में blood आता हो, इन सारी emergencies conditions में एक बड़ा उपयोगी है. So these are the few indication belong to this G cleft point. In the acute emergency, during acute emergency, whenever there is an emergency, जब भी कोई इमरजेंसी होती है, we always do more pressure during the acute emergency. We always do more pressure or we do sedation. तो जब भी acute emergency होती है तो हम या तो ज्यादा pressure देते हैं या sedation करते हैं. So one minute. तो जब भी एक्यूट इमरजेंसी होती है तो हम सेडेशन करते हैं. कैसे करेंगे सेडेशन? सपोज द मेरिडियन इज फ्लोइंग लाइक दैट. So we'll put the needle in the opposite energy flow. तो अगर किसी का ये हाथ है, suppose this is the arm. And this is the lung six. The lung meridian is going like this. So we'll insert the needle in the opposite direction, in the opposite flow for sedation. So inserting the needle in the opposite direction, is sedation.
or giving vigorous acupressure. Vigorous acupressure is sedation. तो जब हम बहुत तेज एक्यूप्रेशर करते हैं उसे भी हम सेडिशन कहते हैं. और पुटिंग द निडल, पुटिंग निडल एंड मूविंग एंटी क्लॉकवाइज इज सेडिशन. तो जब भी हम निडल को लगाकर उसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देते हैं, जस्ट रोटेटिंग द निडल एंटी क्लॉकवाइज, that is sedation. Or putting the magnets, like we know this is the magnet, vial magnet. If we put the needle so we can see the yellow portion, so we can see yellow portion from the top, from top. So that is the sedation. तो जब ये मैग्नेट लगाकर अगर उसका येलो पोर्शन देख पाए तो सेडिशन है. अगर हम चक्रा मैग्नेट लगाते हैं तो चक्रा मैग्नेट ऐसी होती है, सपोज दिस इज द चक्रा मैग्नेट. सो इफ वी कैन सी, वी कैन सी द सेंट्रल, वी कैन सी द सेंट्रल येलो एंड व्हाइट around. So just focus on the central. If we can see the central yellow, that is sedation. So in that way we are having multiple things for sedation. तो चाहे तो needle opposite direction में लगा दो तो sedation होगा, needle को उल्टी anti clockwise घुमा दो तो भी sedation होगा, खूब तेज acupressure करो तो भी sedation होगा, और bial magnet लगा दो जिसमें आपको येलो दिखे ऊपर से वो भी सेडेशन होगा, और चक्रा मैग्नेट लगाना हो तो ऐसे लगाओ कि बीच का येलो आपको ऊपर से दिखे वो भी सेडेशन होगा. इन दैट वे वी कैन डू द सेडेशन ऑन द एनी पॉइंट, एनी एक्यूपंक्चर पॉइंट. सो लेट्स मूव टू द लंग सेवन. अब हम लंग सेवन की बात कर रहे हैं. आई टोल्ड यू अबाउट द लंग सेवन. So this is the lung meridian. Suddenly it is splitting and coming back. This is the lung meridian. So the lung seven point found on the yin yang border, on yin yang border. That is lung seven. So lung seven point हमारे yin yang border पर पाया जाता है. So let's see other image. So look at this image. So we can see the lung meridian here, lung five, lung six, five tune down. Lung six is five tune down. Lung nine. Now look at the lung seven. Lung seven is Broca sequence, little up. This is the lung seven. Lung seven, देखो हटके है. Lung seven point is little on the yin yang border. We can see here in this image. So we can find out the location of lung seven, which is on the yin yang border. So from the wrist, if we go 1.5 chun proximal, अगर कलाई से हम डेढ़ चुन ऊपर जाते हैं,
तो हमें यिन यांग बॉर्डर पर लंग सेवन मिलता है. लंग सेवन इज वेरी गुड पॉइंट बिकॉज लंग सेवन इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ लंग. लंग सेवन लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ लंग है. लंग सेवन से एक ब्रांच निकलती है और अपने पार्टनर चैनल से मिलती है. पार्टनर चैनल मतलब लार्ज इंटेस्टाइन. सो देयर इज अ ब्रांच एग्जिटिंग फ्रॉम द लंग सेवन एंड मीटिंग विद द पार्टनर चैनल दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. सो विद द हेल्प ऑफ लंग सेवन वी कैन सेंड द एनर्जी इन द पार्टनर चैनल एंड वी कैन रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द पार्टनर चैनल. सो लंग सेवन इज कॉल्ड लियो कनेक्टिंग पॉइंट विच हैविंग कनेक्टिविटी विद द पार्टनर. तो लंग सेवन को हम कहते हैं लियो कनेक्टिंग पॉइंट, जो अपने पार्टनर के साथ कनेक्टिविटी रखता है. इसीलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है. दैट्स व्हाई लंग सेवन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इट इज हैविंग कनेक्टिविटी विद द पार्टनर चैनल. इट इज अ वेरी एक्सीलेंट पॉइंट. नाउ तो लंग सेवन बड़ा ही शानदार बिंदु. अब लंग सेवन के बारे में एक बात और कहना चाहते हैं. हमारे शरीर में जैसे मेरिडियंस होते हैं 12+2, हमारे शरीर में जैसे मेरिडियन होते हैं 12+2, या ऐसा कहिए हमारे शरीर में 12 मेरिडियन होते हैं और दो एक्स्ट्रा होते हैं फ्रंट एंड बैक. ऐसे ही हमारे शरीर में 8 इंटरनल पाथवेज होते हैं. उन इंटरनल पाथवेज को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल. हमारे शरीर में 8 इंटरनल पाथवे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स. सो वी आर हैविंग 12 मेरिडियंस एंड वी आर हैविंग 8 इंटरनल पाथवेज. दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स. ओके, सो वन पाथवे फाउंड इन फ्रंट ऑफ द बॉडी तो इन 8 में से एक पाथवे आगे होता है जिसे हम सीवी मेरिडियन या रेन मेरिडियन कहते हैं और एक पाथवे पीछे होता है. So one pathway found on the back side, which is called DU or governing vessel meridian. Okay. So the CV meridian, right now we are talking about the CV meridian. So what is the meaning of CV meridian? Look at this image. तो हमारे शरीर के फ्रंट में ये पाथवे होता है. वी कैन सी CV2, CV3, CV4, CV5, CV6, 7, 8, 9, 10 इन दिस वे. सो दिस इज द फ्रंट पाथवे. ये हमारे शरीर का फ्रंट पाथवे है. लुक एट दिस इमेज. सो दिस फ्रंट पाथवे सप्लाइंग जेनिटल पार्ट्स. दिस फ्रंट पाथवे सप्लाइंग अवर डाइजेस्टिव पार्ट. दिस फ्रंट पाथवे इज सप्लाइंग the whole front part. We can see this is the front part, the central part. ये जो front का pathway है ये हमारे genital part को, आंतों को, digestion को ऊर्जा देता है. और ऊपर जाकर this pathway is giving energy to the chest region. So we can see this front pathway giving energy to the heart, to the lungs. ये जो front pathway है हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को ऊर्जा देता है. दिस फ्रंट पाथवे इज गिविंग एनर्जी टू द थ्रोट, टू द रिस्पायरेटरी पार्ट. लुक एट हियर. ये फ्रंट पाथवे हमारे पूरे फ्रंट साइड को ऊर्जा देता है. वी कैन सी हियर.
इस पूरे फ्रंट पार्ट को केवल हम एक पॉइंट से कंट्रोल कर सकते हैं. दिस होल फ्रंट पार्ट जस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल पॉइंट. सो होल फ्रंट पार्ट और द सीबी मेरिडियन कैन बी कंट्रोल्ड बाय सिंगल पॉइंट, दैट इज LU7. सो LU7 इज कॉल्ड द मास्टर पॉइंट ऑफ CB meridian, or LU7 called the master point of Ren meridian. इसलिए LU7 को हम master point कहते हैं CB meridian का, और master point कहते हैं Ren meridian का. So LU7 is not a ordinary point. LU7 कोई छोटा मोटा point नहीं है. LU7 कोई ordinary point नहीं है. LU7 is the very very important point. It's not an ordinary point. The LU7 is very, very, very important point. Let's see this human body. Agar kisi ko, if any female is suffering with the problem of uterus, what is the problem of uterus? Maybe dead fetus. Maybe placenta is not coming out. Placenta is not coming out. If any female is suffering with the problem of genital part, even any male is suffering, male or female, is suffering with any genital problems, so we can just stimulate the LU7 and LU7 will work in this whole central line. Hum keval single point ko treat karke, kyunki single point LU7 is pure central line ka master point hai. Hum agar mara hua bachcha hai garbhashay mein use bhi nikal sakte hain aur placenta ko bhi nikal sakte hain agar placenta nahi nikal raha hai bahar. Garbhashay ki aur genital part ki kai sari problems ko theek kar sakte hain. Second, the second thing, the lung is the controller of water passage. Hum samajh chuke hain ki lung pani ko control karne wala ek bahut bada organ hai, aur lung ye central line ko control bhi kar raha hai. So if there is any problem connected with the urinary bladder, if there is any problem connected with the urinary bladder, like bad bathing, like dribbling urine, like frequent urine, like blocked urine, so LU7 is very good point, because it will open the energy of this pathway. LU7 इस पाथवे की एनर्जी को ओपन कर देगा, तो किसी को यूरिन में कोई भी प्रॉब्लम है, इवन अगर किसी को ब्लड है, ब्लड इन यूरिन, डिफिकल्टी इन यूरिन, यूरिनरी डिफिकल्टीज, पेनफुल यूरिनेशन, सो LU7 विल ओपन दिस लाइन, बिकॉज LU7 इज द कंट्रोल ऑफ होल सेंट्रल लाइन. तो LU7 इस पूरे सेंट्रल लाइन का कंट्रोलर है. हमने पहले दिन डिस्कशन किया था कि जब लंग वन, लंग फाइव और लंग सेवन तीनों पॉइंट्स को वाई लेटर लगा देते हैं, तो ये ऊपर भरे हुए वाटर को नीचे जाने का रास्ता दे देता है. तो किसी के चेहरे पर सूजन हो, किसी को ऊपर का फ्लेम और वाटर भर गया हो, इन तीन बिंदुओं की मदद से हम उसे नीचे जाने का रास्ता दिखा देते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री पॉइंट्स, वी कैन गिव द पाथवे, वी कैन गिव द राइट पाथवे टू द वाटर. सो वाटर कैन मूव डाउनवर्ड, नॉट ओनली वाटर, द ची कैन मूव द डाउनवर्ड, बिकॉज लंग इज सेंडिंग द ची डाउनवर्ड. सो सपोज दिस इज द ह्यूमन बॉडी एंड पर्सन इज इन द हाई सैडनेस मोड.
अगर कोई व्यक्ति इज हाईली सैड, सो द हाईली सैड मीन्स लंग इज नॉट सेंडिंग एनर्जी डाउनवर्ड, नॉट सेंडिंग ची डाउनवर्ड, दैट इज सैडनेस. Because as per the acupuncture, emotion is nothing but emotion or just energy flow. So if we put the lung 7 point, so lung 7 will make the energy flow downward. Lung 7 will make the chi flow downward. So jaise hum lung 7 ko lagate hain, तो क्या करता है कि छाती में जो ऊर्जा भरी पड़ी है उसको नीचे जाने का रास्ता दे देता है और रास्ते को साफ कर देता है, रास्ते को क्लियर कर देता है. क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत उदास होता है, बहुत दुखी होता है, तो इसका अर्थ है कि लंग ऊर्जा को नीचे नहीं भेज रहे हैं और ऊर्जा अटकी पड़ी है लंग में. तो जैसे लंग 7 को लगाते हैं तो लंग 7 को लगाने से ऊर्जा नीचे जाना प्रारंभ हो जाती है और रास्ता क्लियर हो जाता है. और जैसे ही रास्ता क्लियर होता है तो हमारे शरीर की जो प्योर ऊर्जा है वो ऊपर चढ़ती है और जॉयफुल जॉय बढ़ाती है. जॉय, क्योंकि जॉय का मतलब है कि एनर्जी ऊपर जा रही है, लेकिन रास्ता तो साफ होना चाहिए. लंग रास्ते को इतना ब्लॉक कर देते हैं कि जॉय की एनर्जी ऊपर की ओर लिफ्ट नहीं कर पाती है. सो लंग 7 will send the chi downward from the lungs, the pathway will be cleared and the happiness energy, joy energy, the chi will flow, the pure chi will flow upward and it will create the joy and happiness, because emotions are nothing but energies. Emotion are nothing but chi. The anger, the joy, the sadness, the worry, all are different types of energy flow. तो जो भी इमोशन होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप का एनर्जी फ्लो है. सो लंग 7 पॉइंट इज वेरी गुड फॉर सैडनेस, लंग 7 इज वेरी गुड फॉर दीज प्रॉब्लम्स. सो लंग 7 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट. लंग 7 इज द मास्टर पॉइंट ऑफ फ्रंट मेरिडियन, फ्रंट मास्टर पॉइंट ऑफ सीबी मेरिडियन. सो लंग 7 विल क्लियर ऑल द फ्रंट एबनॉर्मलिटीज. लंग 7 फ्रंट पार्ट की कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो उसको क्लियर करने की क्षमता रखते हैं, चाहे ब्लॉक नोज हो, चाहे ब्लॉक एंड रनिंग नोज हो, चाहे सॉर थ्रोट हो, चाहे फ्रंट लाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो लाइक कफ कोल्ड, इवन जिनेटल प्रॉब्लम्स, इवन यूरिनरी प्रॉब्लम्स, लंग 7 विल क्लियर. सो लंग 7 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर दीज ऑल थिंग्स. लंग 7, सो लंग 7 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर दीज ऑल प्रॉब्लम. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लंग 7 का. लंग 7 से एक ब्रांच निकलकर लार्ज इंटेस्टाइन से मिलती है, बिकॉज लंग 7 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट. द लियो कनेक्टिंग पॉइंट मींस द पॉइंट्स हु आर कनेक्टेड विद द पार्टनर चैनल. तो लंग 7 को लियो कनेक्टिंग पॉइंट कहते हैं क्योंकि यह अपने पार्टनर चैनल से कनेक्ट होता है. यहां से एक बाईपास रास्ता निकलकर अपने पार्टनर चैनल से कनेक्ट हो जाता है. So that's why lung 7 is the Leo connecting point. Now, lung 7 is not connecting directly. If we see the internal energy flow, the lung 7 is the yin channel, large intestine is the yang channel. In between, we are having DU14. There is a point. Okay. Just what I want to tell you right now, I want to tell you, lung 7 is very good point for removing the bind. Either this is the
external bindu or it is internal created bindu. लंग सेवन हमारी बिंड के लिए बड़े ही शानदार पॉइंट है, चाहे वो एक्सटर्नल बिंड है या इंटरनल क्रिएटेड बिंड है, दोनों प्रकार की बिंड को ये शांत करते हैं, दोनों प्रकार की आंधी को ये शांत करते हैं. सो आइदर दिस द एग्जोजिनस बिंड और इंटरनली जनरेटेड बिंड, लंग सेवन कैन एक्सपेल द एग्जोजिनस बिंड एज वेल एज द calm down the internally generated wind. Both the things can be done by lung 7. So suppose if there is a wind in this area, if there is a wind attack here, then person will suffer with a facial paralysis, with the ticks in the eyes, ticks on the face or eyes. If wind in this back part, so person will suffer with the occipital headache, the headache on the back side of head. अगर हमारे upper part में wind भर जाती है, आंधी तूफान हवा भर जाती है, तो आगे बढ़ेगी तो चेहरे का लकवा हो जाएगा और हमारे चेहरे पर spasm आएंगे, ticks आएंगे, और सिर के पीछे बढ़ेगा तो सिर के पीछे दर्द होगा, ऑक्सीपिटल हेडेक होगा. सो लंग सेवन कैन ड्रेन बोथ टाइप्स ऑफ विंड, आइदर दिस द एक्सटर्नल विंड और इंटरनल विंड. सो लंग सेवन इज वेरी गुड, लंग सेवन इज वेरी गुड फॉर फेशियल पैरालिसिस. लंग सेवन फेशियल पैरालिसिस के लिए अगर स्पाज्म होता हो, स्पाज्म ऑफ द फेशियल मसल और टिक्स ऑफ द फेशियल मसल, टिक्स ऑफ फेशियल मसल और टिक्स ऑफ द आईज और स्पाज्म पेन ऑफ द नेक और बैक पार्ट ऑफ द हेड, बैक पार्ट ऑफ हेड, in these all conditions, in these all conditions lung 7 is very good point. To jab kisi ke bahut bind badh jata hai na, to chehre ka lakwa aata hai, spasm hota hai, tics aate hain, gardan mein spasm hota hai, pain hota hai, even kisi kisi ko to muh se jhaag bhi aata hai. If there is a foam from mouth, like we are seeing in many persons suffering with the epilepsy fits. So this is the internal wind, internally generated wind. In these all conditions, lung 7 will expel the wind out, will drain the wind out. One more thing, lung 7 will expel the wind out. Now we have understood. Now second thing about the lung 7. Lung 7 send the chi downward and making the lung flow of energy, lung flow normal. यानी lung 7 क्या करते हैं, ऊर्जा को नीचे भेजते हैं और lung के flow को सुधारते हैं. lung का काम क्या है, lung का काम सिर्फ ऊर्जा को नीचे भेजना है. तो इसका आंसर है कि lung का काम है ऊर्जा को डाउनवर्ड भेजना, डाउनवर्ड. लंग इज सेंडिंग, सेंड ची डाउनवर्ड एज वेल एज टूवर्ड द स्किन. लंग हमारी स्किन को भी तो ऊर्जा भेजते हैं और स्किन के ऊपर, स्किन के नीचे पूरे शरीर में ऐसे जैसे पानी का स्प्रे हम करते हैं, अपने ऊपर पानी का स्प्रे करें, ऐसे चमड़ी के नीचे, पूरी हमारी चमड़ी के नीचे एक स्प्रे फैला देते हैं जिसे हम कहते हैं बीची. सो लंग इज सेंडिंग द बीची, लंग इज सेंडिंग द एनर्जी लाइक स्प्रेइंग द वॉटर बिलो द स्किन ऑल अराउंड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड बीची, विच इज गिविंग डिफेंस, विच इज प्रोवाइडिंग अस डिफेंस
So if someone is suffering with a fever, if someone is suffering with a low-grade fever, if someone is suffering with a viral or bacterial attack, what is fever? The fever means the fighting between pathogen and the defense system. So lung 7 is a very good point, because lung 7 is also helping the lung to send the energy, to make the energy below the skin. So lung 7 hamare fever mein bhi kaam aata hai, kyunki yeh skin ke niche urja ko bhejkar, skin ke niche urja ko bhejkar bichi ko strong kar deta hai. So lung 7 is very much useful for these all conditions. तो ये थोड़ा सा लंग के बारे में डिस्कशन था. सो लंग इज वेरी गुड फॉर फीवर, फॉर स्नीजिंग, फॉर पर्सन इज फीलिंग एवर्जन टू कोल्ड, पर्सन डजंट लाइक कोल्ड, पर्सन इज टेलिंग ओके डोंट स्टार्ट द फैन, डोंट स्टार्ट द एसी, दैट इज एवर्जन टू कोल्ड, पर्सन डजंट लाइक कोल्ड, डजंट लाइक कोल्ड. तो इन कंडीशन में लंग 7 इज वेरी गुड पॉइंट. सो अल्टीमेटली लंग 7 मेकिंग अवर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्गर. सो लंग 7 इज स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस सिस्टम. ओके, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लंग 8. अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, उसका नाम है लंग 8. सो लंग 7 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द ड्राइनेस ऑफ स्किन, डेफिनेटली. अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, उसका नाम है लंग 8. लेट्स सी नाउ. Okay, what about the reason if there is a bind? It is very good point in all types of bind. So let's see now. So look at this. मेरा हाथ देखिए. ये तो lung 9 है. Lung 9. अगर lung 9 से if I come bunchun proximal, if from the lung 9 I come bunchun proximal, so that will be the location of lung 8. So this is the location of lung 8. Look at here. Agar main lung 9 se ek chun pehle aa jata hoon, if I am coming one chun proximal from the lung 9, so this will be the location of lung 8. Lung 8. Just one chun proximal. Lung 8 is very good point of the lung meridian. Lung 8 is very good point for lung because of some reasons. I will tell you. So hum is par sujog needle laga sakte hain. Look at this sujog needle. और वी कैन पुट द मैग्नेट्स. आप देखिए मैंने निडल लगाई है. एंड और वी कैन पुट द मैग्नेट्स हियर, और वी कैन पुट द निडल हियर. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ लंग 8. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लंग 9. अगला बिंदु है लंग 9. दोनों के बारे में एक साथ बात करेंगे. विल डिस्कस बोथ द पॉइंट टुगेदर. ऑन द रिस्ट क्रीज, ऑन द थंब साइड, दिस इज द लोकेशन ऑफ लंग 9. So you can see, this is the location of lung 9. Lung 8 and lung 9, both are very important point. दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं. तो चलिए दोनों के बारे में समझते हैं, कैसे महत्वपूर्ण पॉइंट है. What are the importance of these points? Lung 8 and lung 9.
So this is the direction of energy flow. I am putting in the same direction of the energy flow. And lung 9 is really very wonderful point, because lung 9 is the source point. Lung 9 बहुत महत्वपूर्ण point है, क्योंकि यह source point है. और source point क्या होते हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. लंग नाइन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सोर्स पॉइंट है. ओके, इट डजंट हिट द आर्टरीज. नो, लंग नाइन इज एब्सोल्युटली सेफ पॉइंट. दीज ऑल पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली सेफ, नथिंग टू वरी. इफ समवन इज फीलिंग सम लाइक इलेक्ट्रिक shock sensation, then remove the point and put again. अगर कभी किसी को ऐसा electric shock जैसा लगे तो निकाल के वापस लगा दो, ऐसा कोई risk नहीं है. They are very simple points. So let's look, talk about the first point, that is lung 8. तो पहले हम lung 8 की बात करते हैं. Lung 8, lung 9, two points. The distance between both the point is one chun. दोनों बिंदुओं के बीच में एक चुन की दूरी है. कलाई पर lung 9 है. Lung 9 बड़ा ही गजब का point है, क्योंकि lung 9 को हम बोलते हैं yawn source point. और lung 8, दोनों ही बड़े अच्छे point है. So now I will tell you the importance of both the points. So let's start from the lung 8. तो चलिए lung 8 से start करते हैं. So lung 8. So this is the five element of lung. ये हमारे लंग के पांच एलिमेंट हैं, वुड, फायर, अर्थ मेटल. वाटर. Okay, in the lung meridian, lung 11, lung 10, lung 9, lung 8 and lung 5. These are the points. So lung 8 is the metal point. Lung 8 metal point है. इसका क्या मतलब होता है? ये सब आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा. So what is the meaning of metal points? What is the meaning of earth point? This is the You can understand this if you go in the five element explanation and the five element detail. So right now what I want to tell you, lung 8 is very much important point. So lung 8 is the metal point, number one. Pehli baat to ye hai ki lung 8 metal point hai. और लंग खुद भी मेटल है. इन द फाइव एलिमेंट साइकिल लंग तो खुद ही मेटल है, जैसे कि किडनी वाटर है. किडनी इज ए वाटर. लिवर इज ए वुड. हार्ट इज ए फायर. स्प्लीन इज ए अर्थ और लंग इज ए मेटल. तो लंग तो खुद भी मेटल है और लंग एट भी मेटल है. इसीलिए हम कहते हैं लंग 8 इज द हॉररी पॉइंट. आपको हॉररी पॉइंट नहीं पता तो आप टीसीएम क्लास में जाके देख सकते हैं. हमने टीसीएम में इसके बारे में काफी डिस्कशन किया है. सो द लंग 8 इज द मेटल पॉइंट. लंग इज द हॉररी पॉइंट. सो व्हेन वी पुट द नीडल और सीड्स ऑन द लंग 8, इट इज इंप्रूविंग द पावर कैपेसिटी स्ट्रेंथ ऑफ द लंग्स. तो जब भी हम लंग 8 पॉइंट को लगाते हैं
ये हमारे लंग की ताकत बढ़ाता है, लंग की ऊर्जा को रेगुलेट करता है, लंग की हेल्प करता है। और सबसे मुख्य है कि लंग की अटकी हुई ऊर्जा को निकालता है। तो जनरली वी आर यूजिंग लंगेट फॉर स्ट्रेंथनिंग द लंग, लंग एनर्जी। तो जब भी हमारे पास हॉररी पॉइंट का जब आप समझेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम लंगेट के बारे में इतना ही समझा रहे हैं। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर द लंग नाइन पॉइंट। द लंग नाइन पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। लंग नाइन, हमने लंग नाइन को देखा कि लंग नाइन कहां था। लंग नाइन हमारी कलाई में था। लंग नाइन इज लोकेटेड ऑन द रिस्ट। सो नंबर वन, लंग नाइन इज लोकेटेड ऑन द रिस्ट। कि लंग नाइन हमारी कलाई में होता है। नंबर टू, सेकेंड पॉइंट, लंग नाइन इज द योन सोर्स पॉइंट। योन सोर्स पॉइंट के बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया टीसीएम में। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट इन द टीसीएम। राइट नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, द मीनिंग ऑफ योन मींस किडनी ची, द ची ऑफ किडनी। सो लंग नाइन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द किडनी एंड रिसीविंग द ची फ्रॉम द किडनी। तो लंग नाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम लंग नाइन को स्टिमुलेट करते हैं, लंग नाइन पूरे मेरिडियन की ऊर्जा को बढ़ा देता है। लंग नाइन पूरे मेरिडियन की ऊर्जा को बढ़ा देता है क्योंकि लंग नाइन किडनी से जुड़ा हुआ है और किडनी तो हमारे शरीर का मूल है, किडनी तो हमारे शरीर का रूट है। यानी लंग नाइन हमारे शरीर के उस रूट से जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम लंग नाइन को स्टिमुलेट करते हैं, यह बहुत सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे लंग को बैलेंस कर देता है। So lung nine is receiving energy from the kidney. Third, lung nine is the minister of blood vessels. That we know when we are checking the pulse, whenever we are checking the pulse, we check the pulse near the location of lung nine. We are having pulse here, and lung nine is the minister of blood vessels, minister of pulse. So minister means influential point. लंग नाइन हमारी ब्लड वेसल्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर की किसी भी ब्लड वेसल्स में, इन एनी ब्लड वेसल्स, इफ देयर इज अ ब्लॉकेज, इफ देयर इज अ ब्लॉकेज, सो वी विल डेफिनेटली स्टिम्युलेट द लंग नाइन, बिकॉज लंग नाइन इज द मिनिस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर किसी को हाई बीपी हो जाए क्योंकि उसकी ब्लड वेसल्स पतली हो गई है, और किसी को लो बीपी हो जाए क्योंकि उसकी ब्लड वेसल्स बहुत फैल गई है। सो इफ एनी प्रॉब्लम कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स, लाइक कोलेस्ट्रॉल, लाइक ब्लॉकेज, सो वी कैन नॉट फॉरगेट लंग नाइन। लंग नाइन इज द मिनिस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जब भी हम लंग नाइन को स्टिमुलेट करते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल को ठीक करते हैं। कोरोना में, कोरोना वायरस में, कोविड 19 में हम लंग नाइन को जरूर स्टिमुलेट करते हैं, बिकॉज कोविड 19 हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करता है। द कोविड 19 इज क्रिएटिंग द ब्लॉकेजेस। सो दैट्स व्हाई इफ यू सी द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कोविड 19, डॉक्टर आर गिविंग एस्प्रिन फॉर थिनिंग द ब्लड, फॉर थिनिंग पर्पज ऑफ द ब्लड, सो दैट ब्लड कैन फ्लो फ्रॉम दिस लो स्पेस एरिया। So COVID-19 making the plaque, making, creating the blockage inside the blood vessels. So in our COVID protocol, we always stimulate lung 9 because lung 9 is very good point for the blood vessels. Lung 9 hamare blood vessels ka bada hi mahatvapurna point hota hai. Blood vessels ke andar cholesterol jam jaye, blockage ho jaye, kisi bhi karan se hame blood vessels ko khulna ho. Aajkal hum dekhte hain ki heart mein blockage ho jata hai. Kai sari naam dete hain, triple vessel disease, जो तीन तीन वेसल्स में कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, तो लंग नाइन को स्टिमुलेट करके हम उन ब्लॉकेजेस को ओपन कर सकते हैं। सो लंग नाइन इज वेरी गुड पॉइंट। नाउ हमारे हर एक मेरिडियन में, हमारे हर एक मेरिडियन में
एक एक यौन सोर्स पॉइंट पाया जाता है। और यौन सोर्स पॉइंट का अर्थ है कि ऐसे बिंदु जो किडनी से जुड़े हुए हैं, और किडनी तो ऊर्जा का खजाना है, इसीलिए जब हम किसी भी मेरिडियन के यौन सोर्स पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो हम उस खजाने से संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम लंग नाइन को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारा संबंध हमारे शरीर के खजाने से हो जाता है और हम कितनी भी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, कितनी भी ऊर्जा को हम छोड़ सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो जब किसी भी मेरिडियन का सोर्स पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यौन सोर्स पॉइंट की, तो मीनिंग ऑफ यौन सोर्स पॉइंट द पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द किडनी, यानी यौन सोर्स पॉइंट का अर्थ है वो बिंदु जो किडनी से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल लंग का लंग नाइन, हार्ट का हार्ट सेवन, और लिवर का ले लीजिए, चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, स्प्लीन का स्प्लीन थ्री। ओके, दीज आर द यौन सोर्स पॉइंट। ओके, so whenever we are stimulating the lung 9, it is improving the energy in the lung, heart 7 improving energy in the heart, spleen 3 improving the energy of the spleen, because these all the three points are connected with the original source, that is kidney. Yon source point is directly connected with the original source or kidney. So there is a two points formula. तो हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने का एक टू पॉइंट फॉर्मूला है। टू पॉइंट फॉर्मूला का मतलब है यौन सोर्स पॉइंट प्लस बैक सू पॉइंट। किसी भी मेरिडियन के आप ये दो पॉइंट ले लो, दो पॉइंट मात्र से वो पूरा मेरिडियन टॉनिफाई हो जाता है। सपोज आप लंग की ताकत बढ़ाना चाहते हो तो लंग का यौन सोर्स पॉइंट ले लो और लंग का बैकसू पॉइंट ले लो। सो इफ यू टेक दीज टू पॉइंट्स ऑफ एनी मेरिडियन जस्ट बाय टू पॉइंट्स, फर्स्ट इज यौन सोर्स पॉइंट, सेकंड इज बैकसू पॉइंट, यू कैन इंप्रूव होल मेरिडियन। इफ यू वांट टू इंप्रूव द एनर्जी ऑफ द लंग्स, सो टेक द लंग 9 एंड टेक द यूरिनरी ब्लैडर 13, जस्ट टू पॉइंट आर इनफ टू इंप्रूव द एनर्जी इन द लंग। सो पुट द पॉइंट बायलैटरल, they will increase the energy in the lung. Suppose you want to increase the energy in the heart, just take the two points, source point or yon source point plus backsu point. So the heart 7 plus urinary bladder 15, just by using two point you can improve the energy in the heart. Let's talk about the spleen. Just take the two point, spleen 3 is the source point and urinary bladder 20 is the backsu point. Just by using two points, you can improve the energy in the spleen. So this is the two-point formula. Just by taking the two points of any meridian, you can improve the whole meridian. आप सिर्फ दो बिंदुओं का प्रयोग करके पूरे के पूरे meridian को improve कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं two-point formula. हमने yon source point ले लिया और दूसरी तरफ हमने backsu point ले लिया. So this is so wonderful and very easy method. So the yon source point are very important point. तो इस तरह से हम सिर्फ दो बिंदुओं को लेकर हम पूरे के पूरे लंग मेरिडियन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, हम ब्लड वेसल्स की पेटेंसी को बना के रख सकते हैं। सो वी कैन ब्रिंग द पेटेंसी, वी कैन ब्रिंग द गुड एनर्जी फ्लो इन होल लंग मेरिडियन। सो लंग 9 इज वेरी गुड फॉर नंबर 1, डेफिनेटली ऑल द ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। लंग 9 इज वेरी गुड फॉर ब्लॉकेजेस। Lung 9 is very good for improving the energy in the lung, improving qi in lung. So these are the few things. So it is very good if there is a poor circulation and if you want to improve the circulation, because blood vessels is responsible for circulation. So lung 9 is very good for circulation because it is connected with the blood vessels and blood vessels supplying the blood all around. So lung 9. अब किसी को varicose veins हो गया तो vein की कोई भी problem होगी तो lung 9 को लेंगे, चाहे blockage हो चाहे blood vessels की कोई भी problem हो, we can always take the lung 9 point. So lung 9 point is very much useful in these all condition.
सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड में तो हम प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम लंग की ताकत को बढ़ाने के लिए, ब्लॉकेज को निकालने के लिए, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका प्रयोग जरूर करेंगे. लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लंग 10 एंड देन लंग 11. दीज आर द टू लास्ट पॉइंट, लंग 10 एंड लंग 11. तो चलिए हम लंग 10 की बात करते हैं. फाइव एलिमेंट साइकिल में लंग 11, लंग 10, लंग 9, लंग 8 एंड लंग 5. ये पांच बिंदु क्रम से, लंग 11 इज द बुड पॉइंट, लंग 10 इज द फायर पॉइंट, लंग 9 इज द अर्थ पॉइंट जिसकी हमने अभी बात की, लंग 8 इज द मेटल पॉइंट एंड लंग 5 इज द वॉटर पॉइंट. लंग 5 इज द वॉटर पॉइंट. ये पांच एलिमेंट के पॉइंट होते हैं. So now we are talking about the lung 11 and lung 10. तो पहले इन दोनों की लोकेशन बता देते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे. Let's see now. So look at my hand. So this is the location of lung 9. And this is the junction of black and white skin. So lung meridian is passing from the junction of black and white skin. So lung meridian hamare, ye kali aur safed skin ke junction se hokar jata hai. Aise. So this meridian passing from the junction of black and white skin, this is the lung meridian. Now, just take the midpoint of this line here. This is the lung 10. Just taking the midpoint. So this is the first metacarpal bone. This is the first metacarpal bone. So just midpoint of first metacarpal bone, that is lung 10. Hamari first metacarpal bone ka jo midpoint hai, yahi lung 10 hai. ये पॉइंट थोड़ा सेंसिटिव होता है, पेनफुल होता है, लेकिन हम इसको आराम से जब नीडल लगाते हैं, सो इट इज वेरी नाइस पॉइंट. यू कैन सी नाउ, ये हमारा बिंदु है. अभी मैंने ना तो टर्न किया है ना सेडिट किया है, बस मैंने एक इवन मेथड से नीडल लगाई है. सो व्हेन वी आर पुटिंग द इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन, दैट इज टॉनिफिकेशन. व्हेन वी आर पुटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज सेडेशन. तो ये हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन का एकदम सेंटर पॉइंट है, सफेद और काली स्किन का जंक्शन, इसे हम कहते हैं लंग 10. सो लंग 11 विल बी ऑन द टिप, इट बी कीप ऑन गोइंग ऑन द जंक्शन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्किन, रीचिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ दिस नेल. ये नाखून के कॉर्नर पर जब हम पहुंचते हैं, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ लंग 11, द लास्ट पॉइंट ऑफ द लंग मेरिडियन. ये हमारे लंग मेरिडियन का अंतिम बिंदु है, इसे हम घोस्ट पॉइंट भी कहते हैं. लंग 11 पर नीडल लगा के हमारे अंदर का भूत निकल जाता है, तो हमारे अंदर के भूत को निकालने के लिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट है. दिस इज द घोस्ट पॉइंट, लंग 11. सो लंग 11 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द थ्रॉट. लंग 11 इज स्पेशल पॉइंट फॉर द थ्रॉट. लंग 11 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द घोस्ट. There are few other points also good for ghost. One is lung 11. तो lung 11 सबसे प्रमुख होता है हमारे गले के लिए, दूसरा हमारे शरीर के अंदर के भूत को भगाने के लिए. एक्यूपंक्चर में भूत को भी हम एनर्जी मानते हैं, इनविजिबल फ्लेम मानते हैं. तो गले में दर्द हो, गले में इंफेक्शन हो, गले में कुछ भी हो जाए, pharyngitis, laryngitis, if there is any problem in the throat, either pharyngitis, laryngitis, this lung 11 is very good point. So lung 11 is very good point for attack of wind heat, attack of virus bacteria. We do sedation. So jab hamare sharir mein corona ka, covid ka
बैक्टीरिया वायरस का आक्रमण होता है और गले में खराश होती है तो लंग 11 को हम सेडेट कर देते हैं। अगर किसी का गला खराब हो, आप लंग 11 को सेडेट कर दो तो आपका गला ठीक हो जाएगा। सो वी आर सेडेटिंग द लंग 11 इफ समवन इज सफरिंग विद अ थ्रॉट प्रॉब्लम। लंग 11 इज द स्पेशल पॉइंट फॉर द थ्रॉट, इट इज वेरी गुड पॉइंट फॉर रिमूविंग द इन्वेजन ऑफ विंड हीट। हमारे शरीर पर जब कोई आक्रमण होता है विंड हीट का, उसके लिए लंग 11 बहुत ही अच्छा बिंदु है, और भूत को तो निकालेगा। और लंग 10 इज फायर पॉइंट, ये हमारे शरीर का फायर पॉइंट है, तो फायर को बढ़ा भी सकता है, फायर को घटा भी सकता है। सो इट कैन इंप्रूव द फायर, इट कैन रिड्यूस द फायर, सो वी कैन सेडेट दिस पॉइंट और वी कैन टॉनिफाई दिस पॉइंट एज पर नीड। सो लंग 10 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द फायर। सो दीज आर द टू लास्ट पॉइंट, लेट्स राइट डाउन अबाउट दीज टू पॉइंट्स, देन अवर लंग मेरिडियन विल बी कंप्लीटेड। तो चलिए इन दो के बारे में लिख लेते हैं, फिर हमारा लंग मेरिडियन कंप्लीट हो जाएगा। लंग 11 को कैसे सेडेट करना है? लंग 11 पर आप मैग्नेट लगा दो येलो ऊपर, लंग 11 पर ऐसे मैग्नेट लगाओ कि आपको येलो ऊपर से दिखे। जैसे सपोज करिए ये मैग्नेट है, आई विल शो यू। सपोज करिए ये मैग्नेट है, मैंने देखिए लगाया है, ये ब्यूल मैग्नेट है। सपोज दिस द ब्यूल मैग्नेट, सो वी कैन सी द येलो पार्ट, सो दिस द सेडेशन। अगर ये हमारी ब्यूल मैग्नेट है तो इसको सेडेशन हम समझ सकते हैं, सो दिस द सेडेशन। ओके, तो इसी तरह से हम लंग 10 को भी सेडेट कर सकते हैं। वी कैन पुट द येलो मैग्नेट हियर, सो वी कैन पुट द वन मोर येलो मैग्नेट हियर, सो दैट इज सेडेशन। ये सेडेशन हो गया। सो वी कैन डू द सेडेशन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स, वी कैन डू द टॉनिफिकेशन। इफ वी पुट द व्हाइट, वी कैन सी द व्हाइट फ्रॉम द टॉप, दैट इज टॉनिफिकेशन। When we are putting the magnets, put minimum for 7 to 8 hours. Okay, 4 hours to 8 hours. जब magnet लगाते हैं तो 4-8 घंटे के लिए लगाना होते हैं, लेकिन जब हम needle लगाते हैं तो 40 minute काफी है. So needles are enough for 40 minutes. But when you want to put the magnets, then go for longer time. Okay, so now. लंग 11, तो हमारे हाथों में सो दिस इज द मेरिडियन, दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट इज लंग 11, एंड हियर वी आर हैविंग लंग 10, वी हैव ऑलरेडी सीन द लोकेशन। ओके, so now discuss about the both points. So let's discuss about the lung 10. Lung 10 is also called fish border. It is looking like fish border, the border of fish. So lung 10 ko hum fish border bhi keh dete hain. One minute. Okay, fine. So lung lung 10 is also called fish border. Aisa lagta hai jaise fish ka border hai. So this is the fire point. So lung 10 hamara fire point hai. So iske dwara hum fire ko bada bhi sakte hain. We can increase fire,
और इसके द्वारा हम फायर को घटा भी सकते हैं, वी कैन डिक्रीज फायर, सो वी कैन इंक्रीज द फायर, वी कैन डिक्रीज द फायर, वी कैन ड्रेन द हीट, वी कैन ड्रेन द हीट फ्रॉम द लंग्स, हम लंग्स में से गर्मी को निकाल सकते हैं। हमारी इच्छा, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, हम सब कर सकते हैं। देखो लंग जो होता है ना वो छाती में होता है, और जब आप एक्यूपंक्चर की आप जब गहराइयों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हार्ट है हमारे शरीर का राष्ट्रपति और लंग्स है नरेंद्र मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर, और हार्ट है राष्ट्रपति। अब हमारी कंट्री में तो राष्ट्रपति का इतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन आप राष्ट्रपति राजा होता है, राष्ट्रपति मतलब राजा, और प्रधानमंत्री यानी उसका मंत्री होता है जो सब कुछ देखरेख करता है। सो द हार्ट इज लाइक ए एम्परर, हार्ट इज लाइक ए एम्परर एंड लंग्स आर प्राइम मिनिस्टर। इफ देयर इज एक्सेसिव हीट इन द लंग्स, इफ द प्राइम मिनिस्टर हैविंग एक्सेसिव हीट, देन हार्ट विल सफर, हार्ट विल ऑल्सो सफर। तो जब भी हार्ट में गर्मी बढ़ती है ना तो भी बड़ा दिमाग खराब हो जाता है व्यक्ति का, उल्टा पुल्टा बड़बड़ाता है। तो इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। सो व्हेन यू वांट टू, व्हेन एवर यू वांट टू रेक्टिफाई एनी प्रॉब्लम, वन मिनट ओनली, वन मिनट, गिव मी वन मिनट। या सॉरी, ओके, सो लंग 10, सो लंग 10 इज, लंग इज ए प्राइम मिनिस्टर। अगर हमारी छाती में गर्मी बढ़ती है तो हमारे शरीर का राजा यानी हार्ट भी डिस्टर्ब हो जाता है। सो लंग 10 इज ऑल्सो ब्रिंगिंग द मेंटल कामनेस। सो अगर कोई व्यक्ति मेंटली काम ना हो, इफ समवन इज सफरिंग विद द मेंटल रेस्टलेसनेस, द मेंटल रेस्टलेसनेस इज कनेक्ट विद द हार्ट। अगर किसी को बहुत इरिटेबिलिटी है, किसी को बहुत गुस्सा है, इफ समवन इज सफरिंग विद द इरिटेबिलिटी एंगर, सो वी कैन सेडेट द लंग 10 एंड वी कैन ड्रेन द अनवांटेड हीट आउट, so the lung will be relaxed and heart will be relaxed. So in this condition the lung 10 is very good for mental restlessness, irritability, anger, in these all conditions. Second, jab hamare sharir par kisi bacteria virus ka akraman hota hai to hamare lung mein garmi badh jati hai aur sardi khansi cough and cold ho jata hai, jeebh dekhte hain to lal ho jati hai, so tongue become red during the attack of bacterial virus. So when you want to treat the cough and cold, we are sedating the lung 10. Lung 10 is very good point. So lung 10 is very good point for
cough and cold and breathing difficulty. So lung 10 is calming down the chest cavity. Even lung 10 plus lung 11, both point good for throat. ये दोनों पॉइंट हमारे गले के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं. अब अगर हम लंग 11 की बात करें तो मैंने कहा लंग 11 इज द घोस्ट पॉइंट. घोस्ट पॉइंट का मतलब है आपको लगे कि कोई गले पर छाती पर चढ़ गया और छाती को दबा रहा है तो लंग 11 को सेडेट कर दीजिए. लंग 11 इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द थ्रॉट. अगर किसी को भी लगता है कि थ्रॉट में कुछ ज्यादा बेचैनी है, इफ समवन इज हैविंग सोर थ्रॉट, समवन इज सफरिंग विद अ सोर थ्रॉट विद द ड्राई थ्रॉट, सो लंग 11 इज वेरी गुड पॉइंट. Lung 11 is very good point for throat area mainly. Hamare gale ke liye, throat ke liye, lung 11 is very good point. So if anyone is suffering with any problem here, even here in this part, like swelling on in the throat, so lung 11 point is very good point. Jab koi vyakti ko lagta hai ki uske andar bhoot aa gaya aur vyakti behosh ho jata hai, तब भी ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड घोस्ट पॉइंट. सो वी आर यूजिंग दिस पॉइंट इन द इफ समवन इज बिकम अनकॉन्शियस. ओके, सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ द पॉइंट. फाइनली वी विल टॉक अबाउट द दिस साइकिल. ये उनके लिए जिनको पहले से पता है. सो दीज आर द फाइव पॉइंट, लंग 11, लंग 10, लंग 9, लंग 8 and lung 5. Always remember, so lung 11 is the wood point, lung 10 is the fire point, lung 9 is the earth point, lung 8 is the metal, and lung 5 is the water point. ये हमारे पांच बिंदु, lung meridian में पाए जाने वाले पांच बिंदु हमारे शरीर के पांच एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. वॉटर पॉइंट के द्वारा आप लंग में वॉटर को घटाया बढ़ा सकते हैं. फायर पॉइंट के द्वारा आप लंग में फायर को घटाया बढ़ा सकते हैं. बुड पॉइंट के द्वारा आप लंग 11 के द्वारा आप लंग में हलचल को बढ़ाया घटा सकते हैं. सो यू कैन मैनिपुलेट द फाइव एलिमेंट्स जस्ट बाय यूजिंग दीज फाइव पॉइंट्स. सो जस्ट बाय यूजिंग दीज फाइव पॉइंट ऑल्सो वी कैन डू द ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स. ओके, सो इनफ फॉर टूडे. नाउ लंग मेरिडियन कम्प्लीटेड. हमारा लंग मेरिडियन कम्प्लीट हो चुका है और हमने ये कुछ दिन फ्री सेशन रखे थे. अब हमारी क्लास केवल हमारे इनरोल पार्टिसिपेंट के लिए होगी और इनरोल पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप हमने ऑलरेडी बना दिया है. हम लिंक दो ग्रुप में डालेंगे. एक हमारा मेरिडियन ग्रुप है उसमें डालेंगे और जो हमारा अभी करंट ग्रुप है जिसका नाम है TCM कॉम्बो, हम उस ग्रुप में लिंक डालेंगे और कल से हमारी लिंक अलग होगी. तो उस लिंक के माध्यम से अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे. कल हम दूसरा मेरिडियन स्टार्ट करेंगे. आज हमारा लंग मेरिडियन समाप्त हुआ तो कल हम दूसरा मेरिडियन स्टार्ट करेंगे. तो वो सभी लोग जो हमारे TCM कॉम्बो ग्रुप में हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. और वो सारे लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली इनरोल किया है और जिनको हमने 14 मेरिडियन ग्रुप में डाला है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. और भी कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो इनरोल कर सकता है. सो थैंक यू सो मच. अब हम मिलते हैं कल इसी टाइम. गुड नाइट.